वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया को दूसरे टी20 मैच में हार का सामना करना पड़ा। द्विपक्षीय सीरीज में पहली बार वेस्टइंडीज ने भारत को लगातार दो टी20 मैच में हराया है। गयाना में खेले गए दूसरे मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज के सामने 153 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे मेजबान टीम ने 7 गेंद पहले ही 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पहले टी20 मैच में भी भारत को 4 रन से मिली करीबी हार का सामना करना पड़ा था। लगातार दो हार के बाद एक बार फिर से भारतीय टीम पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। क्रिकेट के गलियारों में टीम का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। फैंस का गुस्सा भी सातवें आसमान पर है। हर किसी का यही कहना है कि ये टीम वर्ल्ड कप जीतने के काबिल नहीं है। फैंस के साथ साथ क्रिकेट के जानकार भी टीम की आलोचना करने में पीछे नहीं है। दूसरे मैच में मिली हार के बाद पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने एक बार फिर से टीम इंडिया को ट्रोल किया है। वेंकटेश ने ट्वीट कर लिखा, टीम इंडिया का प्रदर्शन बेहद ही साधारण रहा है। 2007 टी20 वर्ल्ड कप के बाद आईपीएल शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद हमारे अगले 7 टी20 वर्ल्ड कप में हाथ खाली ही रहे। सिर्फ एक बार ही हमारी टीम फाइनल तक पहुंच पाई। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी टीम इंडिया की इच्छा शक्ति और जीत को लेकर उसकी भूख में है। प्रसाद ने कहा कि इतने से काम नहीं चलने वाला, अगर कुछ बड़ा करना है तो मैदान पर जीत की ललक दिखाना बहुत जरूरी है। वेंकटेश प्रसाद ने इससे पहले वनडे सीरीज में भी टीम इंडिया के शर्मनाक प्रदर्शन पर ट्वीट कर लताड़ लगाई थी। उन्होंने कहा था, टेस्ट क्रिकेट को छोड़ दें तो पिछले कुछ समय से बाकी दोनों फॉर्मेट में भारत का प्रदर्शन बहुत ही सामान्य रहा है। बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम को वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। पिछले दो टी20 वर्ल्ड कप में टीम का प्रदर्शन बहुत ही खराब था। ना तो हम इंग्लैंड की तरह एक रोमांचक टीम है और ना ही ऑस्ट्रेलिया की तरह आक्रामक। प्रसाद ने आगे लिखा था, पैसा और पावर होने के बावजूद हम छोटी मोटी कामयाबियों का जश्न मनाने के आदि हो गए हैं। हम चैंपियन टीम बनने से फिलहाल कोसों दूर हैं। प्रत्येक टीम जीत के लिए खेलती है। भारत भी कभी ऐसा ही करता था, लेकिन समय ने उसके दृष्टिकोण को बहुत बदल दिया है। टी20 सीरीज में फिलहाल टीम इंडिया सीरीज हार की कगार पर खड़ी है। टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला 8 अगस्त को गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया अगर ये मैच हार गई तो सीरीज भी हार जाएगी।